अनिरुद्ध वालिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब जो भी बच्चे जेई मेन 2018 की कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए एक बहुत जरूरी नोटिफिकेशन है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको जैसा कि आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, सर जेई मेन्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बट जैसे मैंने आपके कमेंट्स देखे, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को आप लोगों से एक एडवाइस चाहिए, आप लोगों से मैं एक सलाह मांगना चाहता हूँ। तो देखो वो सलाह क्या है, मैं आपसे बता देता हूँ। देखो जैसे ही अभी आपने देखा होगा, कल से वालिया का जुगाड़ नाम से जेई मेन का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट, मैंने इसको अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, और इसका जिसने वीडियो नहीं देखी है, जो नया सब्सक्राइबर है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट देख सकता है। सेकंड थिंग क्या है, इस वीडियो में मैंने पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डील किया था, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सेम रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं बस आपसे इतना एक मतलब आप लोगों से एक सजेशन मांग रहा हूँ कि भैया देखो, या तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, क्या दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं एक ही वीडियो में तीनों चीज़ें मिक्स करके बढ़ाऊँ, कि जैसे जो वालिया का जुगाड़ नाम से जेई मेन की सीरीज स्टार्ट की है, उसी में ही केमिस्ट्री भी क्वेश्चंस हो, फिजिक्स के भी, मैथमेटिक्स के, ये अपने पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है कि इंडिविजुअली अलग अलग वीडियोज में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बनाऊँ, कि फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, ठीक है, फॉर जेई मेन। दिस इज द ऑप्शन बी। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, कि आपको एक ही वीडियो से प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की, या ऑप्शन बी की तरफ आप जाना चाहेंगे, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देना, टाइम कम बचाए। जैसा आप सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से आपको आने वाले टाइम में आप वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना होगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट का कर रहा हूँ वेट, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, देखो मेरे हिसाब से क्या है कि आपको एग्जाम में यूं तो आएगा नहीं कि खाली केमिस्ट्री जेई मेन में आएगी, या खाली फिजिक्स आएगी, या मैथमेटिक्स आएगी, तीनों चीज़ आने वाली है। तो मेरे हिसाब से यदि आप ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, बट नो डाउट आपको जो भी आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट की रिस्पेक्ट करूंगा, और उसी हिसाब से अगले एक घंटे में आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे बस एक सजेशन मांग रहा हूँ, तो आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। और जो ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, पार्ट वन, इसका देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, साथ बने रहेंगे, सारे कंसेप्ट आपको सिखा दिए जाएंगे। 10-15 दिन जो भी बचे हैं, बहुत दबा के मेहनत करनी है आपको भी, हमें भी, ठीक है। अपने एफर्ट्स को डबल कर लेना है, और आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा, अच्छे आप मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सब बच्चे कमेंट्स करके फटाफट बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।